गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह होते के साथ ही हमारी जर्नी स्टार्ट होती है चितकुल में। आप चितकुल में देख सकते हैं रिवर का क्या साइट सीन है, और कल जो बर्फबारी हुई थी उसका सौंदर्य नज़ारा आप देख सकते हैं चारों तरफ, कितना भव्य सीन है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चारों तरफ की जो पहाड़ पे चोटियाँ हैं, जो पहाड़ की चोटियाँ हैं वो चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई है, ठीक है। और जो चितकुल है, चितकुल से चाइना की दूरी मात्र और मात्र 12 किलोमीटर दूर है, चाइना का जो बॉर्डर है, ठीक है। और यहाँ से चाइना बेहद नज़दीक है। चितकुल जो है आखिरी विलेज है, यहाँ से जो है चाइना बहुत करीब है। यहाँ पे ITBP के कैंप वगैरह जो भी हैं वो सब हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो क्या नज़ारा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और जो वहाँ कैप्चर कर रहे हैं ना कैमरा कैप्चर, पानी जो है ना पूरा बर्फ बन चुका है, ठीक है। और अभी यहाँ पे जुगाड़ कर रहे हैं ये हीटर से, यहाँ पे मटके में पानी को डाल के गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जितनी जल्दी गर्म हो जाए फिर हम यूज कर सकें। पूरा आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, ऐसा तो मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ भर के लाना बाहर से, तो हमें आपको बाहर का भी दिखा देते बहुत टफ है यहाँ पर लाइफ भाई। रात को इतनी ठंड हो गई कि हमें हीटर लेनी पड़ी, और बिना हीटर के अगर अगर हीटर नहीं लेते तो हमें लगता है कि हमारी तबीयत ख़राब भी हो सकती थी। तो बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब इतनी गर्मी के टाइम पे भी यार, जहाँ मैदानी क्षेत्र में बहुत गर्मी गिर रही है वहाँ यहाँ पहाड़ों पे स्नो हो रही है, आप समझ सकते हैं कितना ठंड है यहाँ पे। चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिख रही है, और ये कल की है, कल स्नो फॉल हुआ था काफ़ी हैवी, ठीक है। और आप चोटियों पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ है, इस साइड पूरा एकदम वाइट वाइट हो रखा है यार। और यहाँ पे अभी हम जब चल रहे हैं तो फिसल रहे हैं हम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फिसलन सी हो गई है अब हमें यहाँ पे। और अब हमारा गाड़ी स्टार्ट, अब देख सकते हो यार मेरी बाइक पे कितना स्नो जमा हो गया है। ओ भाई यार, गाड़ी हो गई स्टार्ट, ठीक है, गाड़ी हमने पूरी एकदम सेट कर दी है और अब यहाँ से निकल रहे हैं, और यही हमने स्टे करा था रात में भाई। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, और अब हम यहाँ से निकलते हुए आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी बर्फबारी, उसके नज़ारे आप देख सकते हैं, ठीक है। रोड जो है थोड़ा सा कहीं कहीं पे फिसलन सा हो रहा है बर्फबारी की वजह से, लेकिन हाँ ठीक है, सेफ ड्राइव करना है हमें पता है, हम राइडर हैं और राइडिंग कैसे करनी है वो हम सब जानते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब बर्फ़ गिरे ना किसी भी जगह पे, वहाँ पे राइडिंग ना बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या है कि मैं गाड़ी जो है कम स्पीड में चला रहा हूँ, धीरे धीरे चला रहा हूँ, इतनी भी ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन हाँ बाइक मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। और उसके बाद आज का जो होने वाला ट्रिप हमारा, हम जाएंगे कल्पा। कल्पा एक विलेज है जो कि रैकेंग पीओ के पास है किन्नौर घाटी में, ठीक है। तो कल्पा घूमेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, वहाँ क्या है खास देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। और कल्पा के बाद फिर हम जाएंगे वहाँ से नाको, जो नाको विलेज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और स्पीति वैली जो है कल नाको से मैक्स टू मैक्स 110 किलोमीटर समथिंग दूर है, इससे ज़्यादा नहीं है। और वहाँ पे हम जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे नाको को, और नाको में एक फेमस लेक है, उस लेक में भी हम एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रास्ते कितने अच्छे बने हुए हैं, चारों तरफ काफ़ी अच्छा रास्ता है, कोई ख़राब रूट अभी तक हमें नहीं मिला है। भाई देख सकते हो यार, मतलब रोड जो है ना कुछ हद तक यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, ओवरऑल ठीक है। और सामने ही ग्लेशियर दिखाई दे रहा है यार, बगल में हमारे सतलुज रिवर है, और राइडिंग स्टार्ट हो गई हमारी,
और आज हम जाएंगे कल्पा। तो आज का जो डेस्टिनेशन हमारा कल्पा का है, 80 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं रेकिंग पीओ के पास और अभी जा रहे कल्पा की साइड, जो कि कल्पा रेकिंग पीओ से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो कल्पा हम जा रहे हैं और ये कल्पा के रूट में आप देख सकते हैं कितना भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है यार, एकदम शानदार। ये मनी रंग ग्लेशियर है, पहाड़ है जो भी है, ठीक है, बहुत फेमस है यार मनी रंग यहाँ का, ठीक है, क्योंकि इसी के पीछे इसी के सामने तक कल्पा सिटी बस रही है, जो कि बेहद शानदार है। और ये रेकन पीओ की मार्केट है और बहुत फेमस मार्केट है ये रेकन पीओ का, ठीक है। और हम यहाँ पे जस्ट कल्पा के लिए निकल चुके हैं, कल्पा इसी के जस्ट ऊपर है और ये जो व्यू है कल्पा का है, ठीक है, बहुत शानदार व्यू दिखाई दे रहा है यार, पहाड़ों के बीच में तब गजब, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम कल्पा आ चुके हैं, ठीक है, और ये सामने मॉनेस्ट्री है और आप इसके पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा ग्लेशियर टाइप का लग रहा है, चारों तरफ की और बर्फ़ ही बर्फ़ पहाड़ों पर दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ के पास के एक बच्चे खाना है, यहाँ का जो पूरा कल्चर है ना वो तिब्बती कल्चर है और हमने खाना ऑर्डर कर दिया, खाना आ रहा है यहाँ का, बहुत अच्छा शानदार देख रहे हैं यार मेहमान नवाजी, और इतना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है यार, गजब एकदम। और जो ब्यूटी है ना कल्पा की वो एकदम अलग ही है एकदम। यहाँ पे एक काली जी का मंदिर है, वहाँ पे अभी आप घूम सकते हैं, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के फेमस सुसाइड पॉइंट पे, ठीक है, सुसाइड पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ से किन्नौर घाटी का काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी हम उसी के वे में हैं और यहाँ पे सेब के पेड़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। मैंने एक चीज़ गौर करा है, कहीं पे भी आपको कहीं ना कहीं किसी भी जगह सुनसान जगह पे भी सेब के पेड़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ थोड़ी बहुत हरियाली भी मेरे को दिखाई दे रही है, लेकिन किन्नौर के कुछ ऐसे भी एरिया जहाँ पे हरियाली के नाम पे केवल रेगिस्तान ही है, कोल्ड डेजर्ट जिसे हम कहते हैं। और थोड़ी सी राइडिंग के बाद हम यहाँ आ गए हैं व्यू पॉइंट के बेहद करीब कल्पा के, और ये जस्ट यहाँ से जो है कल्पा जो से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये व्यू पॉइंट है, ज़्यादा भी नहीं है, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। और आप देख सकते हैं क्या पहाड़ आपको दिखाई दे रहे, हरियाली भी है इन पहाड़ों पे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ हरियाली रहती है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल पूरा रहता है। यह है किन्नौर घाटी का सबसे फेमस साइड पॉइंट और आप देख सकते हैं यार यहाँ से क्या नज़ारा है आज, और ये बर्फ़ की चोटियाँ पहाड़ों की सीधा खाई, और यहाँ पे ये हमारे पाप जो कि यहाँ लोग करते हैं। कल्पा के बाद हम निकल चुके हैं नाखो के लिए, कल्पा हमने घूम लिया, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट देखे हमने, और अब हम जा रहे हैं किन्नौर की उन जगहों पे जहाँ पे केवल और केवल पहाड़ी पहाड़ हैं और नदियाँ भी जो है वो बर्फ़ में तब्दील हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ काचा की और स्पीति वैली की, ठीक है। और अभी जो है आप देख रहे हैं रास्ता किन्नौर घाटी का है, नाखो की तरफ जो ये रास्ता जाता है, और गजब व्यू है, एकदम शानदार व्यू है। और ये व्यूज़ केवल आपको फिल्मों में टीवीज वगैरह सीरियल्स वगैरह में आपको दिखाई देते होंगे, ये एक्चुअल व्यू जो मैंने कैप्चर करा है ना, गजब यार एकदम बहुत शानदार। और मैं बहुत मतलब मिस कर रहा हूँ इन व्यूज़ को यार, कसम से मेरा जो है ना बहुत अच्छा एडवेंचर था और मैंने लाइफ में कभी इतना अच्छा एडवेंचर आज तक नहीं किया था। आप देख सकते हो पहाड़ को काट के रोड बनाना कोई आम बात नहीं है।
यार आप देख सकते हो यार कितना मस्त एकदम वादियाँ चारों तरफ, गजब लग रहा है यार। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो बाइक राइड करके। दोस्तों हमारा सफ़र आज का ख़त्म होने वाला है और शाम हो चुकी है और अभी हम नाको पहुँच गए हैं। ठीक है, ये नाको का व्यू है आप देख सकते हैं। और शाम होते ही अंधेरा होते हमने होम स्टे ले लिया और यहाँ पे स्टे करेंगे, आराम करेंगे और कल आपको व्यू दिखाते हैं नाको का, एक्चुअल में नाको है क्या।